डियर फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी लैंग्वेज का बुक जो है अमेज़ोन KDP पर पब्लिश नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे वजह है कि अमेज़ोन हिंदी के फॉन्ट को डिटेक्ट नहीं करता है, और चूंकि अभी तक उस पर सर्विस उतना नहीं किया गया है। देखिए, अभी हम दिखाते हैं आपको, किंडल क्रिएटर है जिससे हम ई बुक को कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम किंडल क्रिएटर में कन्वर्ट करते हैं तो हिंदी के फॉन्ट को ये डिटेक्ट नहीं करता है, इंग्लिश के फॉन्ट को इजीली करता है। किंडल प्रीवियर में जब हम जाते हैं तो ये हिंदी के फॉन्ट को डिटेक्ट नहीं करता है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम हिंदी में लिखे गए पुस्तक को हम पब्लिश नहीं कर पाते हैं किंडल पे, अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पर जो हम लोग सेल्फ पब्लिश करते हैं। तो मैंने उसका एक तोड़ निकाला है कि उसको कैसे पब्लिश किया जाए, इसके लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए जैसे देखिए, हमारी एक पुस्तक है सियाही का सागर, जिसे हमने लिखा है कुरुति देव 140, करुति देव 140 इसका फॉन्ट है, 58 पेज का ये पुस्तक है। इसे हम किंडल ई बुक पर पब्लिश किए हैं और सक्सेसफुली, ये जैसे सियाही का सागर आप देख रही है, मेरा किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग है मेरा, और यहाँ पर हमने इसको पब्लिश किया है, ये लाइव है, ये ई बुक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे दिख रहा है, जैसे इंडिया में हम देख नहीं हुआ है, अभी आपको हम दिखाएंगे। जैसे देखिए, सियाही का सागर लघु नाटक संग्रह है जिसको हमने पब्लिश किया है, ये मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये सियाही का सागर, ये प्रीव्यू है, आप देख सकते हैं कि ये हिंदी फॉन्ट में है और इसका हिंदी फॉन्ट ऐसे डिटेक्ट कर रहा है। सियाही का सागर लघु नाटक है, सियाही का सागर, इसका फॉन्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरीके से हमें ये दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जब हिंदी में ई बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो क्या होता है कि हिंदी में दो ही ऑप्शन है, डॉक्स और डॉक्स, तो उसमें वो जब पब्लिश करते हैं तो ये फॉन्ट जो है वो इंग्लिश के हिसाब से चेंज हो जाता है और हम इसको पढ़ नहीं पाते। तो इसी सिलसिले में आज मैंने एक वीडियो बनाया है जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसको हम कैसे कर पाएंगे, हम इसको हिंदी में कैसे, इसके लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इनिशियल में हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, जिससे सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 एंड अबव एडिशन, किंडल क्रिएटर जो कि अमेज़ॉन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, किंडल क्रिएटर इंस्टॉलर, जो कि ये किंडल क्रिएटर इंस्टॉलर अमेज़ॉन से ही डाउनलोड करना है, KDP से, KDP के साइट से। और इसमें ये फ़ायदा है कि ये इंस्टॉल करने से आपको यहाँ पे किंडल का ऑप्शन आ जाता है, जो ऑप्शन की हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं, इसी से हम इसका फॉर्मेटिंग कर पाते हैं। किंडल प्रीव्यूअर 3, जो कि किंडल प्रीव्यूअर 3 हम आपको निकालते हैं जिसमें हम प्रीव्यू करते हैं, ये हमारा किंडल प्रीव्यूअर 3 है, ये आप देख सकते हैं, ये किंडल प्रीव्यूअर 3, इसमें हम उसका प्रीव्यू देखते हैं कि कैसा मेरा अमेज़ॉन पे डालने से पहले हम देखते हैं कि कैसा प्रीव्यू दिखता है। उसके बाद PDF to EPUB कन्वर्टर,
वेबसाइट, अगर ये डाल भी सकते नहीं भी डाल सकते तो चलेगा। डू पीडीएफ जिससे हम कि प्रिंट करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, और वेबसाइट एक हम इस्तेमाल करते हैं जो पीडीएफ टू इमेज करते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट है कि हम जो हिंदी फॉन्ट में लिखते हैं उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके, फॉन्ट एम्बेड करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं, और पीडीएफ को हम इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इमेज को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम किंडल क्रिएटर से एक किंडल क्रिएटर में हम बुक को बना लेते हैं, और उसके बाद उस किंडल क्रिएटर के बुक को हम पब्लिश करते हैं, तो हमारा इमेज पब्लिश होता है, जिसके चलते हमारा उसमें फॉन्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता और हमारा बुक हिंदी में पब्लिश हो जाता है। यही पूरी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इस कॉन्सेप्ट को हमने पूरी मेहनत करके डेवलप किया है और आप लोग को इसकी जानकारी दे रहे हैं कि जो हमारे भाई हैं जो हिंदी राइटर हैं उनको इससे लाभ मिले और वो अपने बुक को खुद से ही पब्लिश कर पाए, क्योंकि मार्केट में पब्लिश कराने के लिए बहुत सारी हो रहा है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, तो अपने आसानी से हम लोग खुद का बुक खुद से पब्लिश कर सकते हैं। तो बिगनर्स जो नए राइटर्स हैं चाहे जो भी राइटर मार्केट में हैं उनको हो सकता है इससे लाभ हो। मेरा मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि कुछ लोग को लाना। सेलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ बुक, जब हम बुक लिखते हैं तो उसको सेलेक्शन हम साइज 6:9 में रखते हैं, पीडीएफ में सेव करें, कन्वर्ट इन इमेज बाय दिस, ये स्टेप्स है, अगेन प्रिंट इन पीडीएफ, डू पीडीएफ कन्वर्ट द किंडल फॉर्मेट टू हेल्प, सेव इट इन द एंड प्रीव्यू इन किंडल प्रीवर, इफ यू फाउंड ओके योर फॉन्ट इन हिंदी अपलोड द किंडल एंजॉय, ये सारे स्टेप्स, इसी स्टेप्स में आप कर सकते हैं। अब हम मैं बताता हूँ आपको ये हमने कैसे किया। ये देखिए ये हमारी पुस्तक है सियाही का सागर, जिसे मैंने लिखा है हिंदी फॉन्ट करुतिदेव 140 में, आप यहाँ देख सकते हैं करुतिदेव 140। अब इसमें हम यहाँ से किंडल, चूँकि हमने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है इसलिए 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये दिखाएगा, अगर उसे पीछे का नीचे का रहेगा 7-8 तो उसमें नहीं दिखाएगा, इसलिए 2010 एंड अबव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए जिसमें वर्ड किंडल को क्रिएट किए। तो यहाँ से देखिए आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हम बुक को टाइप करने के बाद बुक को किंडल के हिसाब से फॉर्मेट करना पड़ता है, साइज, ताकि साइज और चैप्टर्स वगैरह वगैरह, सो कि वो उसको आसानी से प्रिव्यू कर सके, उसको आसानी से अप्रूव कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ बुक थीम्स सेलेक्ट कर लेंगे, या क्लासिक, हमने अभी क्लासिक करके रखा है, मॉडर्न कर सकते हैं, आम मार्क पासवर्ड हमने इसमें अप्लाई करके रखा है क्लासिक, तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करिए, यहाँ से अप्लाई का बटन क्लिक करिए, हमने अप्लाई करके रखा है क्लासिक इसलिए हम अभी इसको नहीं रख। करने के बाद आप यहाँ से ट्रिम साइज सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए ट्रिम साइज हमने 6:9 का ट्रिम साइज सेलेक्ट किया, आप चाहें तो 8.5x11 ट्रिम साइज सेलेक्ट कर, जो भी करें वहाँ पे सेलेक्ट करें और यहाँ पे अप्लाई कर दें तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने अप्लाई करके रखा है इसलिए इसको हम, उसके बाद जैसे कि ये इंसर्ट सेपरेटर अगर करना, जैसे देखिए हमने सेपरेटर इंसर्ट किया है, यहाँ पे सेपरेटर इंसर्ट किया है, ये सेपरेटर इंसर्ट किया, उसके बाद हम कैरेक्टर को हाईलाइट करते हैं, इंसर्ट ब्रेक, यहाँ से हम इंसर्ट सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, जैसे सेक्शन ब्रेक करेंगे यहाँ से ये पेज ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम करेक्टर हाईलाइट करें, फर्स्ट करेक्टर जैसे हमने हाईलाइट किया, फर्स्ट करेक्टर हाईलाइट करने के लिए जैसे ये अकबर वर्जन 2013 का ओ, अकबर का ओ जो फर्स्ट करेक्टर है उसको हाईलाइट करें, उसके लिए हम ये चैप्टर टाइटल्स, ये
हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से, उसके बाद चैप्टर एलिमेंट है। इस तरीके से हम पूरे बुक को फॉर्मेट कर लेते हैं। पूरे बुक को फॉर्मेट करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके हम डू पीडीएफ पे जाते हैं और यहाँ से हम सेव टू पीडीएफ में हम इसको, जब हम सेव टू पीडीएफ में करते हैं तो ये पीडीएफ में प्रोग्रेस हो जाता है और हमें ये पीडीएफ में सेव करने के लिए मांगता है। ये बुक आपका फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट होने के बाद ये पीडीएफ में सेव हो जाता है। अगर हम इस पीडीएफ को ही अपलोड कर देते हैं या फिर इस पीडीएफ को हम चेंज करते हैं किंडल बुक में, तो क्या होता है, ये फॉन्ट जो है कृति देव इसको अभी अमेज़ॉन में ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं करता है, जिसके चलते वो इंग्लिश का फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फॉन्ट नहीं प्रॉपर होने के चलते आप जो टाइप किए वो वहाँ पे नहीं दिखता है। और जैसे यहाँ पे आ गया स्याही का सागर डॉक्यूमेंट्स, देखिए यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी एम्बेडेड ऑल यूज्ड फॉन्ट करके हम ओके कर देते हैं, तो ये हमारा पीडीएफ में सेव हो जाएगा। कहाँ सेव होगा, ये डॉक्यूमेंट्स में हमारा पीडीएफ में सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में इसको सेव किया हुआ है, तो हम ये मेरा फाइल पीडीएफ में है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पीडीएफ से हम इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस पीडीएफ को लिए जहाँ सोर्स है वहाँ पे हम रखे हैं। अब इसको हम इमेज में कन्वर्ट करेंगे। इमेज में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के मेन बार में डालिए pdftoimage.com। ये सॉफ्टवेयर, ये वेबसाइट आप ओपन करिए, pdftoimage ये खुल जाएगा। खुलने के बाद आप pdftoJPG सेलेक्ट करिए और यहाँ अपलोड का ऑप्शन है, इस अपलोड के ऑप्शन को क्लिक करिए। अपलोड के ऑप्शन को क्लिक करने से ये फाइल मांगेगा। आप जहाँ पे वो फाइल रखे हैं वहाँ से एक्सटेंशन इसको दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा हुआ। यहाँ से मेरा अभी फाइल जो आया था वो देखिए यहाँ था, यहाँ फुल फोटो पेज, इसको हम उसमें क्लिक कर देते हैं इसे, तो ये अपलोड होता है। जब ये पूरा अपलोड हो जाएगा तो ये क्या होता है कि पूरा पीडीएफ जो है वो पेज वाइज जो साइज हमने सेलेक्ट किया 6x9 का, वो सेम साइज का इमेज बना देता है, पूरे बुक का एक इमेज क्रिएट कर देता है, इमेज का एक फोल्डर क्रिएट करता है, उसको हम लोग आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन इतना टाइम नहीं लेता है। ये यहाँ से, यहाँ पर जब ये पूरा अपलोड हो जाएगा यहाँ एक आएगा डाउनलोड ऑल, तो जब डाउनलोड ऑल आएगा तो जिप फाइल आ जाएगा। जिप फाइल को डाउनलोड ऑल का ऑप्शन हाईलाइट होगा, आप उसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड कर लेंगे तो यह बुक जो है जिप फाइल में आएगा और जिप फाइल को हम लोग अनजिप कर देंगे। जैसे डाउनलोड में हम दिखा रहे हैं आपको कि कहाँ पे आया हमारा डाउनलोड में, देखिए पीडीएफ टू इमेज ऐसा जिप फाइल आ जाएगा। इस जिप फाइल को अनजिप कर देंगे,
अनजिप करने के लिए इधर से क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट फाइल करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ से जब ओके करेंगे तो एक अनजिप का ये फोल्डर बन जाएगा, पीडीएफ टू इमेज का, ये पीडीएफ टू इमेज का अनजिप फोल्डर बनेगा। जब इसको खोलेंगे तो ये पीडीएफ टू इमेज सीआई का जाकर पूरी पुस्तक हमारा, देखिए ये जितना भी पेज रहेगा इस पेज को अलग करके 58 पेज तक ये कर दिया। अब क्या करेंगे, ये चूंकि अब पिक्चर में कन्वर्ट हो गया, फोटो में जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से एक को क्लिक करें कंट्रोल ए और इसके बाद इसको प्रिंट कर देंगे। जब ये प्रिंट करेंगे तो हमारा डू पीडीएफ 9 जो है वो इसको कन्वर्ट करने के लिए रेडी होगा। तो उसके लिए हम कस्टम साइज को सेलेक्ट करेंगे और कस्टम साइज क्योंकि हमें जब ये प्रिंट करेगा तो A4 में कर देगा, A4 में नहीं हमें 6 बन, तो ऑप्शन में क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कस्टम को क्लिक करके विड्थ 6 और हाइट 9 डाल देंगे। जितना इंच का आप अपना चाह रहे हैं उतना इंच का इसमें डाल देंगे और इसको ओके कर देंगे और यहाँ से हम इसको प्रिंट मार देंगे। जैसे ही प्रिंट मारेंगे ये पूरा ऑप्शन देगा एम्बेडेड बेस्ट। देखिए यहाँ देखिए ध्यान रखने की बात है कि फाइल का नाम है फुल पेज फोटो, ये कहाँ पे डॉक्यूमेंट में, यहाँ से ओके करेंगे तो ये पूरा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो पहले हमने इसको किया, तो इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। कैंसिल, ये हमारा पूरा बुक ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बुक जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम, अब मेरा क्या स्टेप्स है, जब बुक हम पीडीएफ इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिए तब है उसको हम जो कन्वर्टेड है उस इमेज पीडीएफ को जो इमेज में कन्वर्ट हो गया बाय वेबसाइट, अगेन प्रिंट बाय पीडीएफ टू हेल्प द डू पीडीएफ कन्वर्ट इट इन किंडल फॉर्मेट बाय हेल्प ऑफ किंडल क्रिएट। अब देखिए अब इस यहाँ से हम किंडल फॉर्मेट में करेंगे। अब क्या किंडल क्रिएट का हम अपना वेब सॉफ्टवेयर खोलेंगे और इसमें हम जो डू पीडीएफ के बाद फाइल फॉर्मेट हुआ उसको हम किंडल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। जब ये किंडल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम उसको किंडल प्रीव्यूअर में देखेंगे कि कैसा हमारा वो प्रीव्यू देखें। जैसे किंडल क्रिएट के यहाँ से खोले, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट लिए। अब एक चीज देखने वाली बात है कि हम यहाँ पर इंग्लिश हिंदी है, हिंदी रखिए और यहाँ से आप कॉमिक्स विथ गाइड, क्योंकि ये पूरा जेपीजी फॉर्मेट में तो इसलिए पीडीएफ यहाँ ले, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे चूज पीडीएफ। अब जो आपने इमेज से प्रिंट करके जो पीडीएफ बनाया है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट में हमारा है वो जो पीडीएफ बना है, ये फुल फोटो फीज, इसको हम इसको यहाँ ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये क्या करेगा कि पूरा इसका कन्वर्शन करेगा, बुक को कन्वर्ट करेगा, बुक को पूरा कन्वर्ट करके ये किंडल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। जब ये किंडल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा तब हम उसी किंडल फॉर्मेट को अपने KDP के वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, जहाँ पर आपको डॉक फाइल या डॉक्स मांगता था डॉक्यूमेंट फाइल, तो उस जगह पर हम इसको अपलोड कर सकते हैं क्योंकि ई बुक के पब्लिकेशन में यही प्रॉब्लम है,
कि वह इसको नहीं एक्सेप्ट करता है। जब इस इसके किंडल फॉर्मेट में हम जब डालेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा और आसानी से हमारा बुक हिंदी लैंग्वेज में अपलोड हो जाएगा और अप्रूव भी हो जाएगा। एक चीज़ और करना पड़ेगा इससे पहले कि ये किंडल हो रहा है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसको हम KDP पे कैसे अपलोड करते हैं। फाइनल वेबसाइट जो हमारा है KDP का, अमेज़ॉन का, उस पर हम इसको कैसे अपलोड करेंगे। देखिए अभी ये बुक कन्वर्ट हो गया, देखिए इंपोर्ट सक्सेसफुल, यहाँ स्याही का सागर आ गया और यहाँ ये कंटिन्यू हो गया। देखिए ये हमारा बुक एकदम अभी हमारा फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ, जो जो हमारा हिंदी का फॉर्म था वो। इसको हम पहले सेव करेंगे, सेव करने से हम फुल पेज KC1, ये ऑलरेडी पहले मैंने किया हुआ है तो ये सेव हो गया, सेव कर लिया। सेव होने के बाद हम इसको यहाँ से पब्लिश करेंगे वही फाइल साइजर, यहाँ एक्सटेंशन है .kpf, ये पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, सेव करेंगे। ये पहले से है इसीलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। पहले से नहीं रहेगा तो ये रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये हो गया योर फाइल इज़ रेडी टू पब्लिश, ऐसा आ गया, यहाँ से लेंगे ओके। अब हम इस फाइल को अभी हम देख लेते हैं कि ये फाइल हमारा कहाँ पर है। हमारा ये फाइल जो है माई डॉक्यूमेंट, ये फुल पेज फोटो के का ये फाइल को हम अब किंडल प्रीव्यू में देखेंगे कि कैसा है। अब ये रेडी है, अब बिना देखे हुए भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सुविधा के लिए इसको किंडल प्रीव्यू में देख ही लीजिए, ताकि हमारा किंडल प्रीव्यू अपलोड करने से पहले हम दिख जाए कि हमारा कैसा दिखे। तो हम इसको किंडल प्रीव्यू में देखेंगे, किंडल प्रीव्यू में देखने के बाद हम इसको या फिर अभी भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं और वहाँ मेन जो होगा इसमें किंडल प्रीव्यू में देख जाएगा। अब कैसे अपलोड करेंगे तो इसके लिए हम अपना वेबसाइट खोलें अमेज़न का, अमेज़न का देखिए बुक सेल्फ खोलिए, बुक सेल्फ के खोले और यहाँ से आप किंडल ईबुक को क्लिक करिए। जब ये किंडल ईबुक को क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा, किंडल ईबुक को क्लिक किया तो यहाँ ऑप्शन है। एक चीज ध्यान रखना चाहते कि यहाँ लैंग्वेज में हम इंग्लिश ही रखेंगे, क्योंकि हिंदी रखेंगे तो हमको सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल ही अपलोड करने के लिए अलाउ करेगा, क्योंकि अमेज़न अभी सिर्फ डॉक फाइल ही हिंदी में अप्लाई करने अप्रूव करता है, और जब डॉक फाइल हम लोग अपलोड करते हैं तो उसका फॉन्ट चेक नहीं होता है, इसलिए हम इसको इंग्लिश ही रखेंगे। बुक टाइटल, सब टाइटल्स, इस सब में आप जैसा बुक में लिखे हैं वैसा ही आप यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए, गूगल से टाइप करके यहाँ पे हिंदी में डाल। उसके बाद किंडल ई बुक कंटेंट्स आएगा, वहाँ पर आप इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के लिए हम आप अपलोड कर दीजिए किंडल ई बुक में,
इस फाइल को अपलोड कर देंगे। जब ये फाइल अपलोड करेंगे तो आपको कुछ 24 घंटे के अंदर ये किंडल मतलब अमेजन इस फाइल को अप्रूव करेगा। अप्रूव करके आपको हम दूसरी वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसको अपलोड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताने से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप इसको अपलोड करते हैं। यहाँ से अपलोड करने का तरीका वैसे आप लोगों को मालूम होगा, तो यहाँ से अपलोड कर दीजिए, फिर वीडियो देखिए, रेट फिक्स करिए, और रेट फिक्स करने के बाद पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के 24 घंटे के बाद ये आपको अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश दिखा था। और इसका पेपर बैक इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज होता है, हमारा बुक हिंदी में टाइप रहता है, हिंदी फॉन्ट में, जिसके चलते पेपर बैक को ये लोग डिस अप्रूव कर देता है, बट लेकिन हमारे ई बुक को अप्रूव कर देता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल प्रेस फंडा के साथ, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि हमारे आने वाली नई नई वीडियोस, नए नए कॉन्सेप्ट्स जो कि उपलब्ध नहीं है इंटरनेट पे, हम उसे मेहनत करके बनाए हैं, उसको आप लोगों के सामने लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।